ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो WWE का दूसरा बड़ा पेपर व्यू आने वाला है जो कि है समर स्लैम, और यहाँ पर हम सभी WWE से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ सरप्राइजेज, रिटर्न्स एंड शॉकिंग चीजें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी शॉकिंग चीजों की जो कि हम सभी को समर स्लैम में देखने को मिल सकती हैं। अब होने को तो काफी सारी चीजें मैं डाल सकता था इस लिस्ट में, लेकिन मुझे तीन ज्यादा खास लगी तो मैंने वो ही डाल दी हैं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE के फास्टेस्ट अपडेट और भी ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, किया जाता है अगर 5 या 10 लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, कल मैं वीडियो ला रहा था 6 सुपरस्टार जो कि समर स्लैम में अपने रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया और वो वीडियो मैंने एज अ शॉर्ट के रूप में डाल दी, मतलब शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी 6 सुपरस्टार जो कि समर स्लैम में रिटर्न कर सकते हैं। और भाई बातें तो मैंने बहुत कर दी, हम लोग अपनी लिस्ट चालू करते हैं। नंबर 3 से स्टार्ट करें जो कि हो सकता है बेली का रिटर्न। और मैंने इसे शॉकिंग में क्यों डाला है, क्योंकि भाई बेली का रिटर्न किसी को भी नहीं पता है कि वो कब होगा। अब भाई डालने को तो मैं इसमें शार्लेट का भी डाल सकता था, लेकिन मैंने मेन चीज़ें ही डाली हैं क्योंकि शार्लेट का रिटर्न इतना शॉकिंग होगा नहीं ना, क्योंकि हम सबको पता है कि शार्लेट का रिटर्न जल्दी हो जाता है जब भी वो WWE से जाती हैं, तो उनका रिटर्न इतना शॉकिंग होगा नहीं जितना बेली का होगा। तो बेली भाई मतलब कितने लंबे टाइम से गायब है WWE के अंदर, तो बेली जब भी आएंगी फैंस का उनको भर भर के सपोर्ट मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से बेली एक ऐसा रिटर्न होगा जो कि समर स्लैम के अंदर शॉकिंग हो सकता है। नंबर 2 चीज़ की बात करें जो कि होगा ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक को कैश इन करना और डबल चैंपियन बनना, या फिर कहते तो यूनिफाइड चैम्पियनशिप्स को ले लेना। और यहाँ पर एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि है MITB कैश इन फेल्ड होना। अब भाई फेल होने का तो हो भी सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ होगी अगर थ्योरी का कैश इन फेल हो गया, क्योंकि भाई वो किन सुपरस्टार के सामने अपना मनी द बैंक कैश इन करेंगे वो भी देख लो। रोमन एंड ब्रॉक दोनों ही तो काफ़ी तगड़े स्टार्स हैं, तो चांसेस कम है कि भाई उनका जो मनी इन द बैंक है वो सक्सेसफुली कैश इन हो जाए। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई विंस के फेवरेट है थ्योरी, तो क्या पता भाई चैम्पियनशिप भी आ जाए उनके कंधों पर। और ये मोस्ट शॉकिंग चीज़ होगी अगर थ्योरी कैश इन करते हैं समर स्लैम में, क्योंकि यार काफ़ी सारे बंदे उन्हें चैम्पियन नहीं देखना चाह रहे हैं। और भाई जो फैंस नहीं चाहते हैं WWE वो तो करती है, तो भाई समर स्लैम में सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये भी हो सकती है कि थ्योरी मनी इन द बैंक को कैश इन करें और उनके हाथ में आ जाए यूनिवर्सल चैम्पियनशिप एंड WWE चैम्पियनशिप। और इस लिस्ट में जो फाइनल चीज़ है जो कि भाई मेरे हिसाब से हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा समर स्लैम के अंदर, जो कि द फीन्ड का रिटर्न। और यार मतलब फीन्ड का रिटर्न अगर ये चीज़ होती है ना, तो भाई मेरे हिसाब से तो समर स्लैम एक सक्सेसफुल शो बन जाएगा मेरे लिए, मुझे आप लोगों का पता नहीं है। और यहाँ पर इसकी जगह मैं एच को भी डाल सकता था, लेकिन वही बात आ रही ना कि भाई शॉकिंग कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि एच तो अभी भी गए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और एच अपना रिटर्न करेंगे भी किसी भी स्टोरी में तो इतना शॉकिंग लगेगा नहीं, और अगर ब्रे वाइट आ जाएंगे तो वो ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, क्योंकि याद करो हम लोग ब्रे वाइट का कितने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि यार ब्रे वाइट आ जाओ अब तो आ जाओ। लगभग ऑलमोस्ट हर पेपर व्यू हम लोग सोचते हैं कि यार इस पेपर व्यू में ब्रे वाइट का रिटर्न होगा, चाहे वो मनी इन द बैंक हो चाहे कोई सा पेपर व्यू हो, लेकिन ब्रे वाइट आते ही नहीं है और एंड मोमेंट तक ब्रे वाइट नहीं आते हैं। लेकिन अगर समर स्लैम के शो में ब्रे वाइट आते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। याद करो भाई 2019 में एज का रिटर्न हुआ था, 2020 में रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था, 2021 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था, और 2022 में किसका होगा, फीन ब्रे वाइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही है भाई इसके अराउंड कि किसका रिटर्न हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर द फीन रिटर्न करते हैं तो ये सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ होगी समर स्लैम के शो के अंदर। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस साल के होने वाले समर स्लैम के पेपर व्यू के बारे में, मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता देना। सो वेल हमारी जज की वीडियो थी वो मही तक की थी, अगर पसंद तो लाइक बना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। So we will see my next video. Bye bye.